गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो ये देखिए, सूर्य देवता निकल रहे हैं और ये है सुबह का व्यू, यहाँ का देख सकते हो आप। सुबह सुबह हरियाली हरियाली है चारों ओर हमारे घर के, और देख सकते हो कि गेहूं भी हमारी जो है ना पकने को आ गई। और ये देखिए आम का पेड़ पौधा है ना, इसके ऊपर ये वो आम के पौधे के ऊपर, मतलब अभी आम लगने हैं ना तो वो ऊपर से आ गया, इसके जो बीज नहीं लगते वो वाले हो गए हैं तैयार। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे कुर, मतलब बीज तैयार हो गए हैं, इससे आम होंगे। तो ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए ये हो गए आम के पेड़ के ऊपर तैयार। और सुबह सुबह का जो मौसम है ना बहुत ही सुंदर है। और ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं सूर्य देवता अब, और बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है अभी सुबह सुबह का। सुबह सुबह ना बहुत अच्छा मौसम होता है इधर का, मतलब सुबह देखो ना, ये देखिए हेलो जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग क्या, अभी तो गुड आफ्टरनून हो रही है। और ये देखिए समीक्षा क्या बना रहे हो? मैगी। समीक्षा कर रही है मैगी की तैयारी। आज ना समीक्षा जो है वो आपके साथ मैगी की रेसिपी शेयर करने वाली है। और इधर बैठे हैं स्मार्ट हीरो राज, ये सुनिए। तो स्मार्ट क्या कर रहे हैं? पता नहीं। मटर छील रहा है स्मार्ट। आज ना ये दोनों मैगी बनाने वाले हैं, क्योंकि दोपहर को ना मैगी बनने वाली है। तो समीक्षा बनाएगी मैगी आज, और मम्मा है आज फ्री बिल्कुल, क्योंकि मम्मा ने ना कुछ नहीं करना है आज, ये दोनों ही ना बना के खिलाने वाले हैं मुझे। तो अभी समीक्षा क्या कर रही हो, बोलो। प्याज लग रहा है। समीक्षा की आंखों में ना प्याज लग रहा है, तो समीक्षा रो रही है, और स्मृति जो ना उसको। तो अभी समीक्षा ये देखिए बिस्तर पे बैठ के काट रही हो प्याज। अब क्या क्या डालने वाले हो आप मैगी में? आगे दिखाएगी समीक्षा आपको, और स्मार्ट जो मटर छील रहा है, दोनों आज जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो चलिए अभी मिलते हैं समीक्षा की मैगी की रेसिपी के साथ। मैं पानी डाल देंगे और पानी को उबलने देंगे। ये पानी रखा है समीक्षा ने, पानी में पानी उबल जाएगा ना, तो उसके बाद इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। इसमें 1 स्पून ऑयल डाल दिया इसमें। समीक्षा की मैगी की रेसिपी आप देख सकते हो कैसे बना रही है समीक्षा मैगी। 2 स्पून डाल दिया ऑयल। 2 आप 1 स्पून बोल रहे थे, कम लग रहा था थोड़ा। पानी को उबलने देंगे। अभी पानी को उबलने देंगे। अब पानी उबल रहा है हमारा, तो इसमें मैं मैगी डाल दूंगी। मैंने यहाँ पे 2 पैकेट मैगी लिए। हमें इसे पूरा नहीं पकाना है, लगभग 80% पकाना है इसको। 80% पकाना है ना। मैं तो बनाती हूँ ना मैगी, पर मैं तो ऐसे ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, मतलब वही 2 मिनट वाली मैगी मैं वही बनाती हूँ। और आप क्या बनाते हो? खाना। आप देख सकते हो ये खाना खाता है, ये मेरा जो लड्डू है ना ये सिर्फ खाना ही खाता है, और इसको ना भूख लगी है, दीदी की मैगी का वेट कर रहा है ये। तो अभी इसको थोड़ी देर उबालना है, ढक्कन नहीं लगाना, अभी ये ढक के रख दे। कितनी देर ढकनी? जब तक ये 80% कुक हो जाएगी। अच्छा 80% कुक कर दी, थोड़ी देर बाद चेक कर लेंगे। ओके तो अब देख लेते हैं हमारी मैगी को, देखिए लगभग हो ही गई है। अच्छा ये तेल क्यों डाला आपने इसके बीच?
चिपकती नहीं है तब डाला। हाँ हाँ जो और ये चिपकती नहीं है और ये खिली खिली बनती है ऐसे। हाँ तभी थोड़ा सा ना इसने जो एक चम्मच एक दो दो चम्मच डाले थे ना तेल के, इसलिए डाले कि ये चिपकती नहीं है आपस में, जैसे वो नूडल्स बनाते हैं ना शायद। हाँ हाँ उसमें तो भी नमक डालते हैं। और तो ये देखिए होगी गई। और अब हम क्या करेंगे, क्या करोगे? चलिए लेके चलते। अब बस इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। मतलब आज परफेक्ट मैगी बनने वाली है। तो गैस की फ्लेम हमने फिर से वही पैन रख दिया है और उसको सूखने देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दूंगी मैं, थोड़ा थोड़ा सा सा, ये तो ज्यादा डाल दिया, थोड़ा सा, यही इसमें लग रहा है शायद। इसमें लग रहा है ये थोड़ा सा है। अब क्या डालोगे? अब इसको गर्म होने दूंगी और सबसे पहले मैं डालूंगी हरी मिर्च। तो तेल हमारा हो चुका है तो इसमें 1 टेबल स्पून में जीरा डाल रही हूँ। और जीरा हमारा चिकना स्टार्ट हो गया है तो अब इसमें डाल दूंगी मैं हरी मिर्च और साथ में डाल दूंगी प्याज। टमाटर नहीं डालोगे आप इसमें? मर्च में मना किया। आप चाहे तो टमाटर भी डाल सकते हैं। समीक्षा टमाटर इसलिए नहीं डाल रही कि समर्थ ना टमाटर नहीं खाता, तो उसने माना गया है कि मैगी में टमाटर नहीं डालना है। अगर टमाटर डालो ना तो ज्यादा टेस्टी हो जाती है, लेकिन समर्थ नहीं खाता है ना टमाटर, तो हम टमाटर है जो स्किप कर रही है ना। हाँ जी आप डाल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। यहाँ पर मैंने ये धनिया पाउडर लिया और जीरा पाउडर लिया है, इसको भी डाल दूंगी मैं। और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, इसको मिक्स कर देती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालूंगी, थोड़ा सा गरम मसाला डाल रही हूँ मैं इसमें। इसको मिक्स कर देंगे। और उसके बाद मैंने ये डाल दिए हैं हरी मटर, और इनको अगर ये अच्छे से पकाने हैं, जल्दी पकना है, तो इसमें मैं अब थोड़ा सा नमक डालूंगी। तो इसमें सबसे पहले मैं थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूंगी। बीच बीच में हम इसको चेक भी करते रहेंगे। मटर गल गए? अभी गल रहे हैं, थोड़ी सी देर रुकेंगे और फिर ये तो देख लेते हैं। अब ये देखिए पक गए हैं। इसके बाद हमने इसमें ये हमारी सब्जी थी, ये ना क्या सब्जी है, शिमला मिर्च और आलू की सब्जी है, तो वो भी डाल रही है थोड़ी सी ना, सुबह की थी तो उसको भी बीच में डाल दें। आप भी डाल सकते हो कोई भी सब्जी हो ना, तो इसमें मिक्स करके बहुत टेस्टी लगती है, वो टेस्टी बनती है। अभी इसमें मिक्सर डालने वाली है पानी, थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूंगी। इसके बाद जो हमारी ये मैगी थी ये डाल दूंगी मैं इसके अंदर। देखिए हमारी मैगी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है। तो ये देखिए ये, अब इसके अंदर जो मैगी में मसाले होते हैं वो डालूंगी मैं इसमें। तो सबसे मेरे पास 2 पैकेट थे, इसलिए मैं 2 पैकेट में मसाले डालूंगी। तो ये देखिए हमें सूखी मैगी पसंद है, इसलिए हमने इसमें ज्यादा पानी नहीं डाला है। तो
तो ये देखिए हमारी मैगी कितनी अच्छी लग रही है। हमारी मैगी हो चुकी है, इसमें लास्ट में हम डाल रहे हैं धनिया की पत्ती, धनिया पत्ता डाल रहे हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए अब मैं इसको सर्व कर रही हूँ। तो आइए आप सब भी समीक्षा की बनाई हुई मैगी का एंजॉय कीजिए, खाइए और बताइएगा कि आपको समीक्षा की मैगी की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।